आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं दीपा जोशी सुखी ढंग से आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपा जोशी पहाड़ी चिली में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 10 बजे से, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ सिलाई प्रशिक्षण और आज स्कूटी ले जा रही हूँ। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको, बने रहे मेरे वीडियो के साथ। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बज गया। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइस यहाँ महिलाएं इस टाइप से काम कर रही हैं, थोड़ी महिलाएं नीचे सीख रही हैं, बाहर में कटिंग सीख रही हैं, एक ट्रेनर बाहर सिखा रहे हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर सीख रही हैं। नेहा का काम है आधार कार्ड इकट्ठा करके लिख ला के भेजने का। ये मंडल की महिला मोर्चा की महामंत्री भी हैं। मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर न्याल जी के यहाँ कितना अच्छा है ये जुगाड़। ये है, ये सौर ऊर्जा वाला है, पानी गर्म करने वाला, और ये यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन ये गर्म गर्म पानी आ रहा है। अब आपको मैं कैसे दिखाऊं कि गर्म पानी आ रहा है, आप खाली देख लो। हाँ तो गाइस ये है मच्छी तालाब, बहुत ही बढ़िया बना रखा है। तो गाइस यहाँ पर शिकारी हैं और ये लोग सभी सीख रहे हैं। ये देखो इनके ढंग सिलाई प्रशिक्षण के साथ साथ दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्राम प्रधान यहाँ पर यही के क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़े भाई सुंदर सिंह बोरा जी और जिला पंचायत प्रतिनिधि सुरेश जोशी जी हमारे बड़े भाई और यहाँ पर ग्राम प्रधान जी राजे कमल किशोर जी आप और यहाँ पर जी हैं, इंदिरा सिंह यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, इनका बहुत ही सहयोग मिल रहा है महिलाओं को। और यहाँ पर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बड़े भाई रवि बोरा जी, ये सभी लोग आप लोगों को बधाई देने भी आए हैं और आपको बधाई स्वरूप सम्मान स्वरूप महिलाओं के लिए एक सम्मान होता है। देखो मिठाई तो हर कोई क्या कहते हैं घर में लाते ही है, लेकिन एक सम्मान होता है कि इनने सोचा कि हमारे क्षेत्र में महिलाओं की सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है, तो 15 दिन से इन्होंने कुछ सम्मान समझा। सुंदर सिंह बोरा जी यहाँ पर आए हैं और सभी लोगों को सम्मान स्वरूप बधाई देना चाह रहे हैं। मैं दादा से कहती हूँ कि थोड़ा 2 शब्द कह के हमारी महिलाओं को थोड़ा बधाई दें और इनके लिए एक बार जोरदार ताली। जो तुम उनके इतनी सुविधा दे रहे हो और तुम स्वरोजगार इनके प्रेरित करने इनके और अपन आजीविका साधन जो तुम इनके तुम लोग अपना अपन काम कर सकते हैं। आप आज तुम जैसे पति नहीं जाना तुम सिलाई प्रशिक्षण करते हुए 1 महीने से ना, 1 महीने तक तुम अपने ऊपर पर आप मशीन में जब इन सबको मिलना हुए तो अपन अपन क्षेत्र में जब अपन घर कपड़ा बैठे लिए तुम घर लगे के लिए कर सकते मुख्यमंत्री जी इनका धन्यवाद है। और बैंक यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि सुंदर सिंह बोरा जी आए हैं और महिलाओं के लिए सम्मान स्वरूप मिठाई वितरण कर रहे हैं और सभी महिलाओं को। तो गाइस में सुंदर सिंह बोरा जी और पूरी समस्त टीम अपनी टीम की बड़े दादा लोगों का बहुत बहुत महिला मोर्चा की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ, जो आपने महिलाओं को इतना सम्मान दिया और यहाँ पर सभी लोगों को बधाई देने आए हैं आज। बड़े भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ये दीपावली की मिठाई दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाइयों को और बहनों को भी, धन्यवाद। गीता दामी को भी धन्यवाद और दीपा बहनी को भी, दीदी को भी धन्यवाद। हम भी चल रहे हैं घर को और हमारे सुंदर दादा भी आए थे और यहाँ पर जो भी जिन्होंने सहयोग किया है, न्याल जी हैं, रवि दादा हैं और ग्राम प्रधान धूरा किशोर दादा हैं और यहाँ पर सुरेश दादा थे जिला पंचायत प्रतिनिधि, तो सभी लोगों ने महिलाओं को बधाई भी दी और सुंदर सिंह बोरा जी ने सोचा कि हमारे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग चल रही है तो, और उन्होंने
सभी महिलाओं को सम्मान स्वरूप मिठाई वितरण की, तो मैं उनका ब्लॉग के माध्यम से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और महिला मोर्चा की पूरी टीम से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही हम लोगों का सहयोग करते रहे, आप लोगों का सहयोग ही हमारे लिए अहम है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सहयोग करते हैं। और मेरे को लगता है कि हमारी टीम में तो बहुत ही अच्छे सभी लोग बढ़िया हैं जो हमारा सहयोग करते हैं। सभी बड़े दादा लोग हमें मान सम्मान देते हैं, तो मैं उन लोगों का पुनः धन्यवाद देती हूं और साथ में गीता धामी जी का भी धन्यवाद देती हूं जो उन्होंने महिलाओं के लिए सिलाई ट्रेनिंग करवाई और महिलाओं को मौका मिल रहा है उनको स्वरोजगार करने का और सीख भी रही हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर। अब चलते हैं हम घर को, फिर मिलते हैं। गाइज़ मैं घर तो पहले ही आ गई थी, अब आपको मैं बताऊं और तैयार हो गई हूँ दोबारा। अभी मैं जा रही हूँ नामकरण में, अभी बजा है 3 क्योंकि लेट हो गया है और घर में भी कोई नहीं थे, तो अभी जाके आती हूँ एक बार मान्नो भाइयो न्यूज। तो गाइज़ फाइनली मैं घर तो पहले ही आ गई थी लेकिन अभी 3:30 हो रहे हैं, एकदम से याद आई कि मुझे नामकरण में जाना है करके, क्योंकि जहाँ मैं बधाई देने गई थी वहाँ से निमंत्रण आया था और मुझे ध्यान में भी नहीं था। और सुबह मैं सिलाई प्रशिक्षण में गई थी, वहाँ से भी देर से पहुँची घर, तो मैंने सोचा कि जाते हैं क्योंकि आज नामकरण का दिन ही हुआ, तो मैंने ये छोटा सा गिफ्ट ले लिया है क्योंकि यहाँ लोकल की दुकानों में ज़्यादा तो कुछ मिलता नहीं है, फिर भी काम चलाओ मतलब ठीक ठाक मिल जाता है, तो मैंने यहीं से लिया जल्दीबाजी में। टनकपुर भी नहीं जा पाई थी मैं, तो मैं चलती हूँ और मिलती हूँ मैं वहाँ जाने के बाद। नामकरण तो हो गया होगा, फिर भी चलती हूँ मैं। तो गाइस हम लोग भी रहे हैं चाय और वो कर रहे हैं डांस।
आप कर रहे हैं गाइस? अभी तक वीडियो में नहीं आ रही थी, शर्म आ रही थी, अब कर रही है। अब मैं चलती हूँ और यहाँ भी नामकरण में उपस्थित हो गई हूँ, यानी चली गई हूँ, ताई लोग नाराज भी नहीं होंगे। और ये है हमारी भाभी जी, ये देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी को मेरा नमस्ते। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ से तो आ गई हूँ, यहाँ पर मौसा जी की तबीयत थोड़ा ख़राब थी क्योंकि थोड़ा गिर गए थे तो उनको चोट लगी है, उनका खबर जान लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। मैं घर पहुँच गई हूँ, आपको दिखाऊँ मेरे बेटे के यहाँ पर काट दिया है, ये आँख में काटा है मधुमक्खी ने और सूज गया है। आज नमस्ते भी नहीं बोल रहा है, तुमसे बोल दो। हेलो गाइस, बोल। और इसको इतना शौक है ब्लॉग बनाने का, मैं इसे कहता हूँ मम्मा तुम मत बनाया कर, मैं बनाता हूँ। अब देती हूँ तो फोन बंद कर देता है। किसी टाइम हेलमेट पहना हुआ कह रही है, किसी टाइम चश्मा। तो ये ढग है इसके, ऐसे काम हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई के। वो ये क्या देख रहा है, क्या देख रहा है तू? बता, इधर देख, आँख दिखा, क्या हो रहा है आँख में? मधुमक्खी ने काट दिया ना, क्या देख रहा बेटा तू? मैं तो नामकरण में भर पेट खा के आई हूँ क्योंकि मुझे तो भूख भी नहीं लगी है। जब अपने को भूख नहीं लगती ऐसा लगता है कि किसी को भूख नहीं लगी होगी, लेकिन बाकी सदस्य को तो खाना ही है, मैं बनाती हूँ खाना। और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि वहाँ सिलाई प्रशिक्षण में भी अच्छा रहा, वहाँ पर बड़े भैया लोग आए थे, तो बड़े दादा लोग आए थे, उन्होंने मिठाई उठाई वितरण की और महिलाओं को भी अच्छा लगा। और उसके बाद घर में भी काम था थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं नामकरण में भी जाके आ गई हूँ। और मौसा जी गिरे थे तो उनका मतलब खबर यानी शोध भी करके आ गई हूँ। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। और आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। कल धनतेरस है, हाँ कल जाऊँगी मैं टनकपुर, आपको ज़रूर देखना, फिर देखती हूँ क्या लाती हूँ, पैसे तो ले जाऊँगी। तब तक के लिए बाय।